मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी सक्सेस जो है विदाउट चैलेंज पूरी हो सकती है. बचपन में आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड. इन एट्थ ग्रेड आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है. माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर. शेफ शाय और शेफ जाकिर ये मेरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटर है. जब मैंने इंटरमीडिएट किया आई डिस्कस विद माई पेरेंट्स के आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री. कुछ लोगों ने जो है ना इस चीज़ को बहुत डिस्करेज किया. दे टोल्ड माई पेरेंट्स कि इट्स नॉट अ गुड लाइन फॉर द फीमेल स्पेशली. आई एम थैंकफुल कि मेरी फैमिली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने कहा डू वट एवर यू वॉन्ट. मैंने जो है वो कौथम ज्वाइन किया और उस टाइम पर इन 2009 की अगर मैं बात करूँ तो कौथम जो है वो दैट वॉज अ ओनली प्लेटफॉर्म. 2011 में मैंने कम्प्लीटेड माई कौथम जर्नी तो कौथम के थ्रू मुझे पर्ल कॉन्टिनेंटल में जो है वो इंटर्नशिप करने की जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी मिली. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डायरेक्टर ऑफ मीटिंग एंड इवेंट्स एट द मोमेंट. अगर मैं पर्ल कॉन्टिनेंटल की बात कर रही हूँ तो इट्स बीइंग अ डिकेड कि मैं वहाँ पे एज अ फीमेल देर इज़ नो हार्म. कोई कहीं पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है या कभी मैंने इनसिक्योरिटी फील नहीं की है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद. आज हम आपके साथ कौथम की पहली सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं. ये वो खातून हैं जिन्होंने पीसी होटल को इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया था लेकिन आज ये बतौर डायरेक्टर इवेंट्स वहां पे सर्व कर रही हैं. इन्होंने अपना सारा सफ़र कैसे तय किया, जो स्किल्स इन्होंने कौथम में सीखे थे वो किस तरह इनकी ज़िंदगी में इनके काम आए, ये सब बातें हम इस इंटरव्यू में इनसे जानेंगे. आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि स्किल्स को प्रमोट करना और स्किल्स को सीखना हमारे लिए और आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे हमारी यूथ के लिए कितना अहम और फ़ायदेमंद साबित होगा. आइए इनसे मुलाकात करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया फ़ख्रुन्निसा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का. मैम आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आपने जहाँ पे इंटर्नशिप से आगाज़ किया आज आप वहीं पे इवेंट्स की डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं. मुझे ये बताएं कि ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया, क्या क्या सीखा, इस जर्नी के बारे में बताएं. थैंक यू सो मच अली रहमान फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी सक्सेस जो है विदाउट चैलेंज पूरी हो सकती है. बचपन में आई वॉज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड और जब बात आई कुछ अपने करियर की तरफ जाने की तो इन एट्थ ग्रेड आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है. माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर बट यह कि कुछ मेरे टीचर्स की तरफ से ये था कि आप जो है वो साइंस वाली साइड पे नहीं जा सकती हैं और आप ये नहीं कर सकती हैं, आप वो नहीं कर सकती हैं. और ज़्यादा उसमें रोल जो था वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से था. और इंट्रोवर्ट मैं क्यों थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लाइक एक्सटेंडेड फैमिली और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी लाइक घर में ही के इंटरेक्शंस, फैमिली गैदरिंग्स. सो आई डेंट फील लाइक कि मेरे पास कुछ ऐसे आउटसाइड जो है कोई भी फ्रेंड होने चाहिए. बट ये चीज़ जो है वो मुझे ज़्यादा फील हुई जब मुझे अपने करियर की तरफ आना था. सो इन वोकेशंस आई गॉट चांस कि मैं मीडिया में जो हमारे पास ज़्यादा उस वक्त शेफ शाय और शेफ जाकिर ये मेरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटर है. तो इस चीज़ को मैंने सोचते हुए जब मैंने इंटरमीडिएट किया आई डिस्कस विद माई पेरेंट्स के आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री. तो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर उस वक्त जो है ना वो मुझे लगता था. तो फिर मैंने जब अपने पेरेंट्स से किया कुछ लोगों ने जो है ना इस चीज़ को बहुत डिस्करेज किया. दे टोल्ड माई पेरेंट्स कि इट्स नॉट अ गुड लाइन फॉर द फीमेल स्पेशली. बट आई एम थैंकफुल कि मेरी फैमिली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने कहा डू वट एवर यू वॉन्ट, वी आर एट योर बैक. एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट देयर गाइडेंस मैंने जो है वो कौथम ज्वाइन किया. और उस टाइम पर इन 2009 की अगर मैं बात करूँ तो कौथम जो है वो दैट वॉज़ अ ओनली प्लेटफॉर्म जो इस इंडस्ट्री को फर्दर जो है ना लेकर चल रहा था. और इसमें मैं थैंक यू करना चाहूँगी जो हमारे इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे हैं अहमद शफीक साहब. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त मेरे पेरेंट्स को भी बोला कि नहीं, लेट हर गो वेर एवर शी वॉन्ट टू. तो अगर मैं बात करूँ 2011 में व्हेन आई कम्प्लीटेड माई कौथम जर्नी तो कौथम के थ्रू मुझे पर्ल कॉन्टिनेंटल में जो है वो इंटर्नशिप करने की जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी मिली. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डायरेक्टर ऑफ मीटिंग एंड इवेंट्स एट द मोमेंट. जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रही थी वहीं पे जो है वो मैंने एक अपना, आप कह सकते हैं कि जो मैंने एक पैशन था जिस चीज़ पे, उस चीज़ को जो है ना वो मैंने अचीव किया. मैम कौथम को जब आपने ज्वाइन किया तो क्या क्या स्किल्स आपने वहाँ से सीखे?
सिंस इट्स अ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हैं इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं एक इंट्रोवर्ट थी. एकदम इस साइड पे लेके आना इसमें एक कौतम का वाइटल रोल है क्योंकि वो इस तरह के स्किल्स आपको, इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की आपकी जो ऑन गोइंग वहाँ पे वर्किंग होती है उसमें आपको वो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पे और कुकिंग साइड पे. तो इट्स अ मिक्स एंड मैच. मैम जो लोग स्किल्स ओरिएंटेड हैं और वो चाहते हैं कि हम डिफरेंट स्किल्स सीखें, उनके लिए कौथम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर हम बात करें ओवरऑल लाइक सबके लिए, नॉट ओनली द फीमेल्स, हमारे पास ऑन एंड ऑफ डिफरेंट कोर्सेज जो है ना कौथम हमें देता रहता है और अभी भी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अगर जब भी देखें हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से अभी लास्ट जो है नौजवान पाकिस्तान के नाम से था, दैट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐसा ही नहीं है कि हर चीज़ वहाँ पे लाइक थ्रू पेमेंट ही है. देर आर सम कोर्सेज जो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे इनकरेज कर रहे होते हैं कम एंड जॉइन अस, बट हम इस चीज़ पे नहीं लेते हैं क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा नेगेटिव ले दिया हुआ है कि शायद यहाँ जाएंगे तो ये होगा. इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लाइक विल पावर, आपके अपने पैशन पे डिपेंड करता है. अगर हम सिर्फ लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम कभी भी आगे जो है ना वो फ्रंट पे आ सकते हैं. तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, वेन एवर दे आर गिविंग यू एनी अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वो आपको गाइडेंस मिलती है, एटलीस्ट गो एंड चेक कि आप क्या चाहते हैं और उनके पास क्या है. बीइंग अ फीमेल, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब आपने स्किल्स को सीखना शुरू किया? देखें जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस कभी भी चैलेंज के बगैर नहीं आती है, जो मैंने अभी शुरू में बोला. तो बीइंग अ फीमेल डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े. सबसे पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना था सो देर वर सो मैनी पीपल, कुछ आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में थे जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को जो है इस चीज़ में गाइड किया कि लाइक या उनको बताया, डिस्करेज किया कि आप इसको नहीं उस साइड पे भेजें. बट जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आप में वो ट्रस्ट, आप में वो एक कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही जो है ना वो सामने आ जाता है. अगर मैं बात करूँ कि चैलेंजेस की, तो देर वर सो मैनी टाइम कि मुझे इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा टोन किया जाता था कि आपका लाइक स्टेटस की वजह से और पैसे की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी. मैं लाइक आई डोंट वांट टू से इन फ्रंट. तो उसमें ये होता है कि वही चीज़ें, वही चैलेंजेस आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं. हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलना है. अगर मैं, हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं इस चीज़ में जो है ना वो नेगेटिविटी है, इस चीज़ में अगर मैं ढूंढ रही हूँ नेगेटिविटी है तो मैं कभी भी आगे नहीं जा सकती हूँ उस चीज़ में. तो मैं इसमें यही एडवाइस करना चाहूँगी, जब भी आपको कुछ भी ऐसे चैलेंज फेस करना पड़ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेकर चलें. ठीक है. और उसमें आप ये सोचेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ तो आप ज़रूर कर सकेंगे. अगर मैं पर्ल कॉन्टिनेंटल की बात कर रही हूँ तो इट्स बीइंग अ डिकेड कि मैं वहाँ पे एज अ फीमेल देर इज़ नो हार्म, कोई कहीं पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है या कभी मैंने इनसिक्योरिटी फील नहीं की है कि कुछ इस तरह हो जाएगा. जो जो भी हम एक नेगेटिव सोचते हैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ. तो मैं रिकमेंड करती हूँ फीमेल्स को कि वो आएँ. जिस तरह अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप डेडिकेशन से कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है ना उस चीज़ को अचीव भी करेंगे. इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि इन 2015 आई गॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग अ स्कॉलरशिप फ्रॉम USCFP. एक CCIP का एक प्रोग्राम था जो कि फुली फंडेड था. मुझे मौका मिला अमेरिका जाने का और दैट वॉज़ अ एक्सचेंज प्रोग्राम. आई गेस जब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं वो आपके ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, बिकॉज उसमें एक मुझे डाइवर्स ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला और इसी इंडस्ट्री में अपने आप को पॉलिश करने का जो है ना वो मौका मिला. तो मैं ये भी फीमेल्स को बोलना चाहूँगी कि अगर इस तरह के कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आप उसको ज़रूर अवेल करें. एक जो चैलेंज मुझे सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा था जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था कि काफ़ी लोगों ने मेरे पेरेंट्स को कुछ मिसगाइड किया था, बट उन्हीं पेरेंट्स के जो स्पेशली फीमेल्स हैं, आप बोलें कि उनकी जो डॉटर्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया और कहा कि भाई ये पॉसिबल कैसे हुआ कि इसको ये स्कॉलरशिप मिली है और ये जो है वो US जा पा रही है. तो मेरे ख्याल से दैट वॉज़ अ फर्स्ट अचीवमेंट फॉर माई पेरेंट्स एंड फॉर मी कि जो आपको बातें करते हैं लोग वही आपके अचीवमेंट पे जब पूछें अपने लोगों के लिए तो दैट शोज़ के आप लाइक यू हैव अचीव योर पार्ट. तो मैं ज़रूर इस चीज़ पे रेकमेंड करूँगी, व्हेनेवर यू गेट सच अपॉर्चुनिटीज़ डू अवेल दैट
और डू वट एवर यू वॉन्ट. अगर आप में डेडिकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ बनना है, तो लोगों की बातों पे नहीं जाएं, पहले खुद देखें कि आप क्या कर सकते हैं. मैम मुझे ये बताइएगा कि इस सारे कैरियर में और जर्नी में आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया. डेफिनेटली किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अगर कोई सपोर्ट आपके साथ नहीं हो तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं. इसमें सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को जो है वो थैंक यू करूँगी, एंड स्पेशली द कौथम जो एक फ़र्स्ट स्टेप था इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए. उसमें अहमद शफीक साहब हैं, बाबर शेख साहब हैं, जिन्होंने जब भी, अभी भी, कभी भी मुझे ज़रूरत होती है, दे आर ऑलवेज विद अस. इस लर्निंग को, इस नॉलेज को कंटिन्यू करने में दे आर ऑलवेज विद अस. एंड अभी जहाँ मैं काम कर रही हूँ पर्ल कॉन्टिनेंटल में, देयर मैनेजमेंट, देयर लाइक माय कोलीग्स, दे आर ऑलवेज सपोर्टिव इन दिस रोल. क्योंकि जब तक आपके पास सपोर्ट नहीं होती है तो आप उस चीज़ को लेकर नहीं चलते हैं. मैम आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स को वैल्यू देना और इस पर काम करना हमारे माशरे की ज़रूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं हैं, खाली एक जो नॉलेज है या एक जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं या आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. तो स्किल्स डेफिनेटली प्लेज अ वाइटल रोल. और कौथम में इस तरह की काफ़ी ज़्यादा आप बोलें कि शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, डिग्रीज़ भी अब आ गई हुई हैं और डिप्लोमाज भी हैं, जिनके थ्रू आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन और इन सबको जो है वो इन्हांस करते हैं. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कौथम फॉर दिस पर्पज. मैम अभी रिसेंटली कौथम कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, मैं वो चाहूँगा कि आप बताएँ. ऑन एंड ऑफ इनके अब चलते रहते हैं. आजकल अभी हम देखें तो इन्होंने अब हमारी MSc वाली साइट पर भी आ गए हैं. कुकिंग कोर्सेज जो है वो शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं. फीमेल्स जो इस वक्त घर में बैठी हुई हैं और वो सोचती हैं कि भाई हमने अपनी कुकिंग को कैसे इन्हांस करना है या इस प्रोफेशन में कैसे आना है, दे कैन मेक देयर ओन केटरिंग सिस्टम. सो दे हैव शॉर्ट कोर्सेज एंड लाइक लॉन्ग टर्म प्लान्स एज वेल. मैम अहमद शफीक साहब का एक विजन है, वो चाहते हैं कि लोगों में स्किल्स को डेवलप किया जाए ताकि वो स्किल्स को यूज़ करके अर्निंग भी करें और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजारें. उनके काम को, उनके विजन को आप कैसे देखती हैं? अहमद शफीक साहब का मैंने ऑलरेडी अभी नाम लिया है. अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो एट द मोमेंट आई एम इनरोल्ड इन डिफरेंट लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हमारे पास डिफरेंट जो है वो वहाँ पे एक डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं. उन्होंने इस चीज़ में, इस मिशन को पूरा करने के लिए ही इज़ लाइक वेरी ओपन माइंडेड. आपको पता है इस इंडस्ट्री में इट्स लाइक 24/7, देर इज़ नो संडे. सो अकॉर्डिंग टू आर टाइमिंग्स, हमारे स्केड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए वो इतने फ्लेक्सिबल हैं ताकि उस मिशन को भी पूरा किया जाए और हमारी जो नॉलेज, हमारी लर्निंग, हमारी इस इंफॉर्मेशन को जो है वो हम अप टू डेट रहे. तो ही ऑलवेज लाइक अकोमोडेटिव, सपोर्टिव, कि जहाँ पे भी आपको हम अकोमोडेट कर सकते हैं ही इज़ डूइंग दैट. तो मैं इस चीज़ में कौथम को और शफीक साहब को जो है ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगी. और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ये वाली जो इंडस्ट्री है ऑलरेडी बहुत ग्रो कर रही है और इसमें कौथम का जो है ना वो बहुत वाइटल रोल है. बहुत बहुत शुक्रिया फ़ख्रुन्निसा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का. नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग कौथम और इसमें स्किल्स डेवलपमेंट पे होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा. बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.